हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, जिसमें भारत के 20 सैनिकों की शहादत हुई है, वहीं चीनी सैनिकों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। भारत सरकार और चीन की सरकार के बीच में डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल भी खड़े कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि पीएम चुप क्यों है, वो क्यों छुप रहे हैं, क्यों नहीं वो सामने आते और बताते कि आखिर चाइना ने हमारे जवानों के वो किस तरीके से मार दिया और चाइना हमारी जमीन कैसे ले सकता है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद राकेश शर्मा। सर, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं पीएम चुप क्यों है, वो क्यों नहीं सामने आते, चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा कैसे कर लिया। देखिए, भारत के विपक्ष से विशेष करके कांग्रेस और राहुल गांधी की त्रासदी यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के मामले में भी वे उलाहना और ललकारने की भाषा में बात करते हैं। भारत की सरकार, भारत की सेना और भारत की जनता तीनों एक मत से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि शहीद जवानों के एक एक बूंद खून का बदला लिया जाएगा, लेकिन हकीकत और यथार्थ के आधार पर भारत सरकार इस संवेदनशील विषय पर समय के साथ निर्णय करेगी। विपक्ष रचनात्मक होने की जगह एक विध्वंसात्मक भाषा बोलती है। जब देश पर खतरे के बादल मंडरा रहे हों, दुश्मन की सेना अप्रत्याशित रूप से सभी प्रकार की मर्यादाओं और उनकी सरकार में 2013 में की गई समझौता का उल्लंघन करते हुए एक तरह से हिंसा और आक्रमण की भाषा में बात कर रही है, उस वक्त भारत की विपक्ष का फर्ज सरकार के प्रति अपनी सहमति, विश्वास और आस्था प्रकट करना होता है। लेकिन हमने इनका इतिहास देखा है, जब पाकिस्तान में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो यही राहुल गांधी उस सर्जिकल स्ट्राइक का सेना से और सरकार से प्रमाण मांग रहे थे। सेना पर भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली बार अविश्वसनीयता की रेखा खींचने का काम स्वयं राहुल गांधी और उनके साथियों ने किया। आज उनकी भाषा से लगता है कि वीर गति पाने वालों के वे हिसाब किताब मांगना चाहते हैं, किस अवस्था में उन्हें वीर गति मिली। जिन लोगों को वीर गति मिली पूरा देश उनके लिए नतमस्तक है। एक इंच भूमि हम चीन को तो देंगे नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने जो 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन को भूमि चांदी की तस्तरी में सौंप दिया था, उसे भी हम वापस लेंगे। राहुल गांधी प्रतीक्षा करें, देश सरकार और सेना तीनों एक मत से कूटनीति सैन्य के आधार पर इसका निपटारा करेगी। सबके बीच में दिग्विजय सिंह ने भी सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं कि मोदी जी को की विदेश यात्राएं कितनी सफल रही हैं, उसका ये प्रमाण है। मोदी जी हर क्षेत्र में असफल रहे हैं, केवल जुमलेबाजी छोड़कर। इस तरीके के जो है कि विदेश नीति भी असफल हुई है, ये भी दिखाता है। पूरी दुनिया भारत की विदेश नीति की दाद मान रही है। आज G7 में भारत को ससम्मान आमंत्रित किया जा रहा है। दुनिया के सभी राजनीतिक गतिविधियों में और महत्वपूर्ण निर्णयों में भारत एक भागीदार हो रहा है, चाहे वो क्लाइमेट का सवाल हो या COVID-19 से लड़ने का सवाल हो। पूरी दुनिया में चीन अलग थलग पर गया है, लेकिन दिग्विजय सिंह को भारत अलग थलग दिखाई पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह की भाषा या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भाषा निश्चित रूप से चीन को पसंद आ रही है। जो बात चीन नहीं बोल पा रहा है वह बात कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। कृपया ऐसे समय में, जब संवेदनशील समय हो, तब भारत के विपक्ष का जो पुराना इतिहास है, जो पुरानी विरासत है, जो 62 की विरासत है, 65 की विरासत है, 71 की विरासत है, उससे कुछ वो पाठ पढ़ें और उसके अनुसार वे व्यवहार करें। इसके साथ ही में कई विपक्षी पार्टियां ऐसी भी हैं जो लगातार ये सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई जाती, आखिर क्यों नहीं जो कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस है उसकी बैठक बुलाई जाती, उसमें क्यों नहीं जवाब दिया जाता। इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सरकार को जब ऐसा लगेगा तो सरकार ऐसा करेगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो पारदर्शिता के दायरे में नहीं आता है। भारत चीन के इस बीच जो संबंध है, उस संबंध में जो असंतुलन 60 सालों में कांग्रेस ने बॉर्डर पर तैयार किया है और चीन को आर्थिक रूप से
भारत में जो जगह दी है उसका दुष्परिणाम है कि आज चीन ऊंची आवाज में बोलता है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने बॉर्डर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है, जो चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर के समानांतर खड़ा हो गया है, 38,000 किलो 3,800 किलोमीटर इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो रोड बनना था उसमें से 525 और 620 किलोमीटर रोड बनाकर कांग्रेस की शासन खुश हो रही थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लगभग 80% रोड का काम पूरा हो चुका है। जम्मू कश्मीर को 370 से मुक्त कर दिया गया है। इन कारणों से जो चीन की छटपटाहट है वो भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति और सामरिक तैयारी के बीच में जो उत्तेजना का माहौल पैदा करके और कोविड-19 में जो चीन विलेन बना हुआ उससे जो एक डायवर्जन करना चाह रहा है, भारत उसकी रणनीति को अच्छी तरह समझ रहा है। उसकी रणनीति को देखते हुए भारत उचित समय पर उचित जवाब देगी। भारत उचित समय पर उचित जवाब देगा, ये कहना है बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये ऐसा वक्त है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार की तरफ से सेना को के ऊपर पूरा भरोसा जताया गया है, देश के लोग भरोसा जता रहे हैं, तो आखिर विपक्ष इस वक्त पर सवाल खड़े करके क्या जताना चाहता है? क्योंकि अगर इतिहास में कुछ गलतियां हुई हैं तो अब भारत 1962 वाला भारत नहीं, ये है 2020 का भारत, जो चीन को उसी की भाषा में जवाब देना भी जानता है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली।